जमीन विवाद महिला को इतना महंगा पड़ा कि उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई और वह अपनी आपबीती सुनने के लिए राजीव गांधी सरकारी अस्पताल से व्हीलचेयर पर रोड से होते हुए एसडीओपी कार्यालय पहुंची। एसडीओपी के समक्ष पहुंचकर महिला और उसके परिवार ने अपने साथ हुए अत्याचारों की आपबीती सुनाई, आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की। एसडीओपी ने मीडिया को बताया, महिला और आरोपियों के बीच पारिवारिक जमीनी विवाद है जिसको लेकर महिला के साथ मारपीट की गई और उसके मकान में आग लगा दी गई, जिस पर पुलिस ने आरोपी महेंद्र सिंह राजपूत और निखिल राजपूत सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया है। गंजबासोदा से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट। किन के खिलाफ शिकायत की? पहले हमारी माता जी को जो राशन लेने के लिए गई थी, पहले जाते हुए तो उनने ऊपर थूका, तो माता राम ने सोचा कि गलती से थूक गया हुआ माता राम के ऊपर, जो फिर वो इग्नोर करके चली गई वहाँ से। फिर इसके बाद वहाँ से वापस आई, फिर इन्होंने गाली गलौज करना चालू कर दिया। तो अब चूँकि माता जी हैं, उनसे सहन नहीं हुआ, तो उनने भी पलट के कुछ बोला होगा, तो ये लोग डायरेक्ट झूम गए और डंडे और राडों से उनकी बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति गंभीर कर दी है। आप भी देखने लायक है, अभी आप देखना, मतलब इतनी बेकार स्थिति कर दी कि अभी वो चलने लायक नहीं बची हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ पर कोई था तो था ही नहीं, किसी को जानकारी भी नहीं थी हम लोगों को। थाने से चूँकि हमें फ़ोन आया कि भाई आपकी माताजी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है कि ब्लड निकल रहा है, आप आ जाइए जल्दी, तो हम लोग थाने पहुँचे। फिर इसके बाद हम लोग जब थाने पहुँचे, वो इधर से वहाँ पहुँच गए अपने खेत पे, जहाँ पे विवाद है मेरी सासू माँ के नाम, जो उर्मिला के नाम पे जो ज़मीन है, वो काफ़ी दिनों से वहीं रह रही हैं। पहले कच्चा मकान था, अब पक्का बनवा दिया है वहाँ पर छोटा मोटा, तो जो रहने की स्थिति में आ जाए। तो वहाँ पर ये लोग पहुँचे, इन दोनों को मारपीट झूमा झटकी की, सामान वामान फेंक दिया और इसके बाद वहाँ पे आग वगैरह लगा दी है, जहाँ से भागते हुए हमारे बड़े भैया गए, जब जाके इनको फिर थाने ले गए। जैसे ही उनको थाने ले गए तो पुलिस वाले को कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना सही से कोई रिपोर्ट लिखी, बस लिख तो ली यही बातें बोलते रहे। भाई वो पहले की घटना, जो अलग अलग घटना है तो अलग अलग ही रिपोर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अलग अलग रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। क्या नाम है जिन लोगों ने मारा? महेंद्र सिंह, उनके पुत्र हैं निखिल राजपूत, और एक उनके परिवार के राजन सिंह हैं, मिथुन राजपूत हैं, आशु राजपूत हैं, ये सभी मिलके और आज से नहीं काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे हैं। जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में क्या मांग रखी है आपने? ज्ञापन में हमने ये मांग रखी है कि भाई हमारा जो नुकसान हुआ है, जो वैधानिक जो रूप पे जो उस पर FIR होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो हमें कार्रवाई चाहिए। भाई हमारा नुकसान हुआ है, हमारा घर जला है, रहने की स्थिति में नहीं है, पूरा सामान जल गया, अभी क्या नहीं बना था घर, उसमें तो रहने की स्थिति नहीं थी। पहले भी हुआ था कोई विवाद? पहले भी ये गए थे हमारे खेत पर हमसे लड़ने के लिए, माताजी को पहले झूमा झटकी भी की, उसकी मैं FIR भी कर चुका हूँ, उसकी FIR, उसके बाद भी कोई जांच नहीं हुई उनके पर। ठीक। और ऐसे कई बार कर चुके, खेत पर आते हैं गाली गलौज करते हैं। अपना FIR हुई है इसमें, और इसमें मुझे जो जानकारी है कि ये संपत्ति संबंधी विवाद है, राजपूत परिवार है, इनके पूर्व से चला आ रहा संपत्ति के आधिपत्य को लेकर विवाद है आपस में। ये उर्मिला राजपूत हैं और इनकी ज़मीन है, इनकी ज़मीन चूँकि इनके कोई पुत्र नहीं है, तो इनकी पुत्री को इन्होंने अपने साथ रखा हुआ है, और इनके जो दूसरे विंग है, इनके देवर वगैरह के जो बच्चे हैं निखिल राजपूत और धर्मेंद्र राजपूत, इनके महेंद्र राजपूत है शायद नाम, धर्मेंद्र सॉरी गलत बोल दिया मैंने, महेंद्र राजपूत, इनके द्वारा उस ज़मीन को अपनी ज़मीन बता रहे हैं कि हमारे ये पारिवारिक ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, उसको लेके इनकी तहसील में कोई केस वेस भी चल रहे हैं। पुलिस द्वारा इनको पूर्व में कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है, और इसी क्रम में कल महिला के साथ मारपीट हुई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ है निखिल राजपूत और महेंद्र राजपूत के खिलाफ। आज ये नया तथ्य आया कि इस उस मारपीट की घटना के बाद निखिल राजपूत ने इनके खेत पर बने टपरिया में भी आग लगाई है, तो उस पर से भी 435 धारा का अपराध निखिल राजपूत के विरुद्ध अभी पंजीबद्ध हो रहा है, और दोनों ही अपराधों में इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।